देखने सुनने वाले दोस्तों को शायद मकानी सुरजई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज ये हम ऊपर मदरसे के अंदर सेकंड फ्लोर पे जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो मस्जिद है जो टंडो आदम की तारीख के अंदर कम दिनों में तामीर होने वाली, 86 दिन के अंदर ये मस्जिद तामीर हो चुकी है तकरीबन। और मदरसे में तालिबे इल्मों ने कुरान की तालीम भी शुरू हो चुकी है और तमाम मामलत अल्हम्दुलिल्लाह जेरे तामीर है। अब नीचे आपको वीडियो भी हम मुकम्मल दिखाते हैं जेरे तामीर होने की, और कारी इरशाद साहब से सुनते हैं कि 86 दिन में मस्जिद कैसे तामीर हुई और तकरीबन ये मस्जिद कितने दिनों में बनी, कारी इरशाद साहब बताएंगे। भाई साहब बताएंगे कितने कम अरसे के अंदर ये मस्जिद तामीर हुई है माशाल्लाह से। जो है नसाब पे अपने बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और ये देखें इधर भी है और ये बच्चे उस साइड भी पढ़ रहे हैं। कारी इरशाद साहब बता रहे थे कि 86 दिन के अंदर रिकॉर्ड मस्जिद जेरे तामीर मदरसे के साथ। और लेकिन जब ये जेरे तामीर थी, हमने वीडियो अपने चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड की थी, तो उसके बाद तमाम दोस्तों ने हमारे टंडवारम शहर के अंदर ये मस्जिद है और 86 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नमाज भी शुरू हुई। और सेकंड फ्लोर के ऊपर आपने दिखाया कि मदरसा जो है वो अपनी तालीम को दोबारा शुरू कर चुका है मदरसे की, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर 2,500 बच्चे माशाल्लाह से कुरान पढ़ रहे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में इस मस्जिद से कुरान हाफिज होकर पता नहीं कितने ही दोस्त जो है वो फारिग हुए हैं, अनगिनत नादरा पढ़ के लोग फारिग हुए हैं और ये जेर तामीर मदरसा देख रहे हैं। अरे तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे जिस तरीके से हम अपने घरों का ख्याल करते हैं और अपने बच्चों की जरूरत का एहसास करते हैं, तो हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि मस्जिद के अंदर हम जा रहे हैं तो पानी की हवा ना करो के कौन करेगा अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में जो
میرے سرکار میری بات بنائے لکھنا. میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں, میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں. اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے, ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگا سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ آنے والے, ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ آنے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. خیر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر